तारीख 14 फरवरी 2023, समय हो गया 02:19 AM। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक का अर्थ ये हो सकता है मरियम नवाज जी कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो या मुस्लिम बहुल प्रदेश हो या सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, ये बात सही है। पर यह बिल्कुल नहीं माना जाएगा मानवता HRC के अंडर आर्टिकल 376 हमेशा लागू रहेगी। HRC तो है ना, मानवाधिकार। मानवाधिकारों में पहला कानून 376 ही माना जाएगा मैडम। शरीयत HRC से बाहर नहीं है, शरीयत HRC के नीचे है मैडम। आपके मोहम्मद साहब ने क्या कहा हमें मतलब ही नहीं है, वो महिला क्या कह रही है। अब मेरे से किसी ने पूछा जी महिलाओं को इतनी तरजीह क्यों दी जाती है, ठीक है, अगर आपने ये भी बात अगर पूछनी है तो अदालत से बाहर चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। ये कुदरत का नियम है, महिला को प्रकृति कहा गया है, पृथ्वी कहा गया है, वही आपका आधार है, इसलिए उसी को इंपॉर्टेंस दी गई है। हम नहीं सुनते ना, हम नहीं मानते ना इन लोगों को। इस्लामिक रिपब्लिक या सऊदी अरेबिया में अगर किंगडम सी भी है, अगर वहां से किसी महिला ने 376 या उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी उसकी सूचना भारत सरकार में दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस सिस्टम को दे दी, नहीं प्रधानमंत्री कौन होता है, कुछ भी नहीं होता, वो कानून से ऊपर थोड़ी है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई हो, ये थोड़ी है राष्ट्रपति भवन में बैठा है तो क्या कहता है वो बलात्कार कर देगा। ना 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 ना, हमें क्या मतलब है, क्यों बुला रहा है महिलाओं के नजदीक, मत बुला ना, मत जाना। तेरा रिचुअल कुछ भी हो, रिचुअल तो कल को कोई कुछ भी लेकर आ जाएगा। अभी यहाँ 400 वर्ष पहले सरदार पैदा हो गए भारत में, फिर बुद्धिस्ट आ गए, फिर ये जैन धर्म वाले आ गए, अब ये तरह तरह के आश्रम आ रहे हैं। अब इनके आश्रम में कैनिबलिज्म है, रेप है या कुछ भी, हमें क्या लेना देना, हम तो नहीं सुनते ना। हम क्यों सुने, पाकिस्तान है तो हम क्या करें, सर पे बैठा है शरीयत तो क्या हम सर पे बैठा है। अरे भाई तेरे पैगंबर साहब अपने घर में रखना उन्हें, अदालत में पैगंबर साहब को मत ला, नहीं तो आयशा का केस खोल देंगे। सीधे सुधरी बात है। और श्री राम को लेकर आया ना अदालत में तो बेटा सीधे ही पूछेंगे हिरण क्यों मारा था। ऐसे ही हम जीसस का मामला आया तो डेफिनेटली यही बात आने वाली है, मैरी मैग्डलिन को किसने कॉल किया था रात को डिनर पे, तो अपने घर में रखे सारी बातें, यहां बकवास नहीं करनी। जी आर्मी या पुलिस की ट्रेनिंग के नाम पे किसी भी प्रकार के टेस्ट लगा ले बेटा, कानून तो वही है, ऐसा नहीं होता जी। टेस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिल्म के अंदर दिखाए जाने वाले रेप को भी हम रेप ही मानते हैं, आप जानते हैं इस बात को, लिखिए पर्दे पे दिखाया गया बलात्कार बलात्कार माना जाता है जी, केस रजिस्टर्ड हो जाता है जी, अरेस्ट। पिक्चरों के नाम पे पैरोल पे बाहर नहीं आ सकता जी बंदा। सही बात है जी,
मत करना। एक बार ये बात भी आती है कि एक महिला ने पहले पुचकार के जो है, बंदा कह रहा है जी पहले तो यहाँ कर रही थी अब केस रजिस्टर करा दे, तो तू समझना पैसे की बात अगर आ गई कि पेमेंट हुई है वो चेक हो जाता है, अगर महिला ने पैसे ले लिए हैं फिर केस रजिस्टर नहीं होता जी रेप। नहीं, अगर महिला ने पैसे ले करके, इसीलिए जो है ऐसी कंपनियां हैं जो कई महिलाएं जो है काम करती हैं, आप कीजिए फिर आप उस कंपनी में चले जाइए, बस ये है। हाँ लाइसेंस होता है प्लेबॉय, लाइसेंस का नाम प्लेबॉय है मैडम, प्लेबॉय पेंट हाउस लाइसेंस का नाम है मैडम। वो एक अलग मामला है, उसके लिए बिल्कुल सही है महिलावादी संगठन आवाज उठाते हैं कि इसको बंद करो, आप अपना काम करो मैडम जाके, वहां क्या चल रहा है आपको मतलब नहीं है। नहीं, अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है फिर वो रेप केस नहीं रजिस्टर्ड करा सकती किसी पे, तो आप अपने ग्रुप से बाहर मत आओ, हमें नहीं पता जी वहां क्या चल रहा है, और उसे मॉनिटर करते हैं हम लोग। उस ग्रुप के अंदर भी महिला के साथ बर्बरता नहीं हो सकती, वो काम बिल्कुल वो ड्यूटी है। ये कोई कानून नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट, एक एक पुरुष ने इतनी शादियां क्यों करी, एक महिला ने इतनी क्यों शादी करी, हमें क्या लेना देना, वो रिचुअल्स हैं मैडम, वो रिचुअल्स हैं, हमें क्या मतलब है, तू आग के चारों तरफ घूम चाहे अपने चारों तरफ आग घुमा, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। नहीं यहां नहीं चलता जी, ना विवाह नाम के शब्द पर हम भरोसा ही नहीं करते। हाँ ये जरूर होता है, एक 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 अंडरस्टैंडिंग होती है। अब किसी ने कहा कि हम एक 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 मेल है एक फीमेल, हम जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं जी, हम नहीं चाहते जी हमें कोई और डिस्टर्ब करे, हाँ ठीक है आप जाइए रहिए, शादी रजिस्टर्ड हो या ना हो, महिला की इच्छा ही सबसे सबसे फिर वही बात आ गई, उसने कह दिया जी हाँ जी मैं, सब लोगों ने घर परिवार ने मिलकर कहा जी इस पुरुष के साथ आप रह लो, ठीक है जी हम रह लेंगे। जी हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब एक एक पुरुष है अब उससे 10 महिलाओं ने शादी कर ली, नहीं समाज उससे सवाल नहीं कर सकता जी, एक महिला की इच्छा, वो किससे बच्चे को जन्म दे वो जानती है ना, एक महिला को पता रहता है कि सामने वाला पुरुष जो है क्या कहते हैं वो उसके लिए जो है शारीरिक रूप से उसको एक उत्तम संतान को जन्म दे सकता है, अब ये नहीं कि उत्तम बोला तो उत्तम कुमार का नाम ले लिया हाँ तो ये एक महिला के ऊपर है ना, वो किसके साथ संपर्क बनाना चाहती है, संतान उत्पत्ति ही सब कुछ है। अब कोई कहे कि वो लंबा तगड़ा नहीं जी मुझे ही सेलेक्ट करे, ऐसा नहीं होता जी, ये महिला के ऊपर है। उसकी माँ बोले, उसका बाप बोले, उसकी बहन बोले, ना 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 ना, लड़की की इच्छा चलेगी जी, ये निकाह शादी मैरिज ये सब, ये सब हम नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो तू छोड़ना, तू किस वजह से क्या करके आ रहा है, आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, पर हाँ ये जरूर है कि ऐसे में महिला की और
महिला की जिम्मेवारी बन जाती है जी, कि वो, क्योंकि ये नहीं कि महिला जो है क्या कहते हैं संतान लेके साइड हो जाए और पुरुष जो सिर्फ जो है बच्चा पैदा करने की मशीन हो, यहां मानवाधिकार आ जाते हैं जी। नहीं, साथ रहिए अपना आराम से, बच्चे बड़े कीजिए, अपना जीवन यापन कीजिए, इसे ग्रुप ग्रुप इसी तरह बनते हैं। सीडिंग के नाम पे धोखे से किसी से सीडिंग करा ली और फिर बच्चे लेके निकल गए, अपराधिक केस रजिस्टर्ड हो जाए, कॉन्स्पिरेसी लग जाती है मैडम। जो महिलाएं भी जेल में जाती हैं, कौन सी बड़ी बात है, अपराधी क्या महिलाएं नहीं होती? महिला मर्डर कर देगी क्या छोड़ देंगे उसे? हाँ ये जरूर है, किसी के महिला का बलात्कार हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया ना, बता दीजिए ऐसी ऐसी बात कर दिया, हम क्या करें, जाओ जी और क्या। तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा जी। ब्रोकरिज्म नहीं होती जी, ब्रोकर्स नहीं होते जी प्रोस्टिट्यूशन में, महिलाएं अपना फ्लैट लेकर रह रही होती हैं, उस पर हमला नहीं हो सकता, हमला होगा तो काट देंगे। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस महिलाएं चलाती हैं मैडम, क्योंकि सभी उसकी इच्छा है ना, पर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलाने वाली महिलाओं को संतान उत्पत्ति की आज्ञा नहीं है, इजाजत नहीं है जी, नो, फादर नेम मस्ट है जी, चाहे 10 और तो का हस्बैंड एक ही हो, फादर नेम मस्ट है जी। वी विल नॉट अलाउ यू टू रन सोसाइटी विदाउट नेम ऑफ फादर। हमें क्या लेना देना उससे जी? अगर उस औरत ने कह दे थी 10 पुरुषों ने लेकर के मेरे को होस्टेज बनाया हुआ है, गए काम से, वो कह रहे कि नहीं जी मैं अपनी मर्जी से रह रही हूं, रहो जी, क्राइम हो गया तो हम बैठे हैं, फिर इतनी समझ है हमें कि कब कहां किस तरह से कहां कौन सा क्राइम किया गया है। इस्लाम के नाम पे अपनी मौज मस्ती हम तो नहीं करने देंगे जी, कोई हो तुम। हाँ, कई बलात्कारियों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, नहीं इनको जेल से बाहर ही नहीं आने देते, जिंदा रखते। अगर उसका घर परिवार उसको नहीं सुनता तो पूरा घर परिवार जेल जाएगा। जी हाँ बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। जी कोशिश यह की जाती है उस महिला को बिजनेस ऐसी जगह दिया जाए जहां पब्लिक हो, एकांत में नहीं, जैसे कोई किसी ऑफिस में दे दिया, अब वो ऑफिस में है वहां, फिर इतनी भी इंसर्जेंसी ऐसी कुछ फैली भी नहीं है। केस रिपोर्ट होते ही हम मामला क्लियर कर देते हैं जी, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर और दूसरा तरीका है।
एब्यूसिव कंटेंट जो है रेप कैटेगरी नहीं आता जी। डिस्टेंस सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखी हुई चीज जो है, हाँ जी, छेड़छाड़ की कैटेगरी नहीं है जी। मत पढ़ो, छोड़ दो, पढ़ा ही तो है आपने, ब्लॉक कर दो, सिंपल है। अब कोई आपका दरवाजा नॉक कर रहा है, आप उसे नहीं पहचानते हो, दरवाजा क्यों खोला आपने? वो धर्म और साधु के नाम पे गलती आपकी है ना, पर उस साधु को ये समझना चाहिए कि गेट बंद है तो जाए यहां से। अलाउड नहीं है जी गेट नॉक करके भीख मांगना, 76 लग जाएगी। बिल्कुल 100% लगेगी, नहीं है जी, अलाउड नहीं है। क्या पता तू रेकी कर रहा हो कि घर में कौन कौन है। अच्छा, हो ही सकता, जांच एहतियातन लड़की को वहां से हटना होता है किराएदार के मामले में। आप मकान खाली कर दो जी, कहीं और रह लो आप, जांच होती है बस। बिल्कुल साबित हो जाता है जी, हमारे पास 100 मेथड है। मैंने अब तक जो है इस ऐसे मामलों में पिछले 1.5 वर्षों में इतने पुराने पुराने केसेस खोले हैं जिसमें एविडेंस तक नहीं थे। अरुषि मर्डर केस उनमें से एक है, हाँ, एक वाक्य है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वॉज वेरी मच यूज टू आस्क फीमेल्स इफ यू वॉन्ट टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी यू मस्ट हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट क्लोथ। यस 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 फॉर द सिक्योरिटी रीजन, नो वी विल नॉट अलाउ। यस, तो तू VIP मत बन, घर जा अपने। वो तू VIP मत बन, घर जा अपने। सीधी बात है, महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिलाएं ले सकती है जी, पुरुष नहीं। बुरके के मामले में सिक्योरिटी मस्ट है जी, ये नहीं कि आपने बुरका पहन लिया आप तलाशी नहीं दोगे। इस्लाम में चेहरा दिखाना अलाउड नहीं है, ये वो नहीं चलता जी। फीमेल की सिक्योरिटी आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते जी, आप इस्लाम में हो और आप क्या कहते हैं तलाशी नहीं दोगे फीमेल्स को, नहीं जी नहीं। मुझे क्या पता तलाशी कैसे होती है फीमेल की, मैं सुनता ही नहीं, मैं नहीं सुनता जी, आप समझो जी। नहीं नहीं मना नहीं कर सकते, तो फिर आप ट्रैवल मत करो, घर बैठ जाओ।
ये जो गुरु आश्रम इस तरह की हरकतें करते हैं बंद है जी। मत देखो लिखा हुआ है ना पहले ही पूर्ण, तो क्यों देख रहे हो? नहीं देखने, अब आपको ये हमारे धर्म में जो है एक फोटोग्राफ जो है वो तो धर्म का यहाँ लेना देना नहीं है, ये सीधा जो है क्या कहते हैं फिजिकल क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। शरीर तो यार तुम हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो सिख हो, तो शरीर तो है ना तुम्हारे पास, बस बात खत्म, यहाँ से आईपीसी शुरू होती है भारतीय दंड संहिता। शरीर नहीं है फिर भारतीय दंड संहिता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।